चोटु ये उस दीदी को देख के आना और कुछ पूछे तो मत बताओ किसने दिया जा। छोटू ये चॉकलेट दे क्या भाई, आज आप दे दो ना। नहीं यार, अगर मैं उसे चॉकलेट देने जाऊंगा तो उसे पता चल जाएगा कि मैं एक शॉप में काम करने वाला मामूली लड़का हूँ और वो पढ़ी लिखी अच्छी घर की होगी। अगर मैं उसके सामने गया तो वो चॉकलेट लेना भी बंद कर देगी। तू जा दे क्या, देख वो आइए। हेलो अमन। हाँ, तेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, तू जल्दी से घर आ जा। क्या? हाँ ठीक है, मैं कल सुबह के बस से आ रहा हूँ। छोटू, मैंने सेठ को बोल दिया, तू हर रोज जब तक मैं ना आ जाऊं तू दुकान से चॉकलेट लेके दीदी को देते रहना। चल बाय। भैया स्टेशन बैठो। है कहाँ तू,
पता चल गया कि मैं गूंगी हूं, इसीलिए ना वो चॉकलेट भेजता है ना दुकान पे आता है। क्या हुआ? अरे तुझे तो तेज बुखार है, आज कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो आज मना किया था ना कॉलेज जाने के लिए। एक बार मना किया मत जाओ तो मत जाओ। हाँ, ऐसे सुनते हो? क्या हुआ? कीजिए तो छोटू चॉकलेट लेके जाता था ना? हाँ लेके तो जाता था, पर एक नहीं दो, तेरे सैलरी से कटेगा पैसा सब। ठीक है कर लेना। लगता है उसे पता चल गया कि मैं एक शॉप में काम करने वाला मामूली लड़का हूं, शायद इसीलिए वो इस रास्ते से कॉलेज जाना बंद कर दिया।
हाँ क्या हुआ, क्या है, किसने दिया? वो दीदी ने आपके लिए दिया। हाय, मेरा नाम छाया है। मुझे पता है कि तुम्हें पता चल गया कि मैं गूंगी हूँ, मैं बोल नहीं सकती। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, ना ही कोई शिकायत है मुझे आपसे। मुझे पता है हर कोई अपने लाइफ में एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहता है, और मैं तो किसी भी तरह से परफेक्ट नहीं हूँ। जब आप हर रोज़ मेरे लिए चॉकलेट भेजते थे, तभी मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई है जो मेरा इंतज़ार करता है। हमेशा लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, पर कोई है जो मुझे पसंद करता है। मैं सेल्फिश हो गई थी, क्योंकि कभी किसी ने मेरा इंतज़ार नहीं किया ना, ना ही कभी किसी ने मुझसे इतना प्यार किया। और अनजाने में आप मुझे अच्छे लगने लगे। आपके सामने आने से डरती थी कि आपको अगर पता चल जाएगा तो आप मुझसे दूर चले जाओगे। पर नसीब का खेल देखो, जिसका डर था वही हुआ। आपको पता चल गया, आप जहाँ रहो खुश रहो, बस यही कहना था। और आपके चॉकलेट सब इसलिए वापस कर रही हूँ क्योंकि मैं इसके लायक नहीं हूँ, ना ही आपके प्यार के। बोल नहीं सकते तो क्या हुआ, मेरा जुबान आपके लिए बोलेगा। मैंने आपके शरीर को नहीं, आपको चाहा। मुझे यह भी पता नहीं था कि आप बोल नहीं सकते। मुझे लगा था मैं एक मामूली दुकान में काम करने वाला लड़का हूं, इसलिए शायद आप इस रास्ते से कॉलेज जाना छोड़ दिया। मुझे ऐसा लगा था कि आप पढ़े लिखे अच्छे घर की हो, और एक मामूली लड़का को थोड़े ना एक्सेप्ट करोगे।